हाय गाइस, दिस इज़ करण वाइंस। और आज का व्लॉग जो अब मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, आज का व्लॉग है हमारा टोटली नेचर के ऊपर। आज हम विजिट कर रहे हैं क्रेगनेनो नेचर पार्क मशोबरा शिमला। ये शिमला के मशोबरा में स्थित है, सिचुएटेड है। आज आप यहीं पे मैं आपका व्लॉग आज यहीं पे बनाऊँगा और आपको अपडेट करूँगा क्रेगनेनो नेचर पार्क के। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल #करणवाइंस। और आज हम क्रेगनेनो पार्क जा रहे हैं। मैं लिफ्ट के पास हूँ, ओल्ड बस स्टैंड के बिल्कुल साथ, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं। सो आप जा रहे हैं आज क्रेगनेनो पार्क। क्रेगनेनो नेचर पार्क ये आपको अबाउट इससे 10-12 किलोमीटर फ्रॉम शिमला है ना। आप न्यू बस स्टैंड से आओगे तो आपको 10-12 किलोमीटर की इसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, ठीक है। साथ में आपको मैं ट्रैक के साथ भी जा रहा हूँ। हम आज जा रहे हैं संजौली से, ढली होके हम जाएंगे, ठीक है, संजौली से। और यहाँ पे आप देखते हो कि हाउसिंग बोट लोनी पहुँचे हैं अभी हम, ठीक है। तो वेज का जो हम रास्ता है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ रास्ता है जो आप साथ में देख ही रहे हो, ठीक है। सो ये क्रेगनेनो नेचर पार्क मशोबरा में है। और बीच में आपको नवरत्न, ठीक है, नवरत्न मैं आपको हाईलाइट भी कर रहा हूँ इसको। नवरत्न ही बहुत अच्छा फूड्स यहाँ पे रहता है, फूड आप यहाँ पे ले सकते हैं नवरत्न से, ठीक है। और हम चलेंगे, चलने के बाद डायरेक्टली हम देखो हम पहुँच चुके हैं अपना मशोबरा। मशोबरा वाला रोड आपका राइट साइड वाला बिल्कुल लो जो नीचे को जा रहा है वो आपका रोड रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से घुमा के गाड़ी लाए थे तो आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से हार्डली आपके 5 किलोमीटर रह जाएगा आपका क्रेगनेनो नेचर पार्क, ठीक है। देखो दिस इज क्रेगनेनो नेचर पार्क, यहाँ से एंट्री है अलग से, यहाँ से हार्डली आपको बहुत, मैं पहुँच चुका हूँ क्रेगनेनो नेचर पार्क। और आप देख रहे हो साइड का व्यू, सारा सनी डे है। और दिस इज टिकट काउंटर, टिकट काउंटर में आपको 50 रुपीज का फेयर रहेगा, 50 रुपीज का ये टिकट रहेगा यहाँ के आप। और 50 रुपीज के आप इस नेचर पार्क में आप जितना मर्जी टाइम, आप अगर इससे अबाउट 10:30 पे आइए ओपन हो जाता है और 5:30 तक रह सकते हो। टिकट प्राइस आपका जो रहेगा वो 50 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। दिस इज एंट्री गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये दिस इज से देखो टिकट काउंटर का ही टिकट काउंटर है ये, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ इस चीज़ को, देखो कितनी ग्रीनरी इस पार्क में, कितनी ग्रीनरी, कितनी ट्रीज। क्रेगनेनो नेचर पार्क देखो 12 किलोमीटर फ्रॉम शिमला। और ये यहाँ पे एक मैपिंग दे रखी है कि कहाँ से आप कहाँ को जाएंगे, मैं आपको प्रॉपर इसमें बताऊँगा। और ये श्री श्री इसमें आप देखोगे तो श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने किया, ठाकुर सिंह भरमौर जी ने, श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने 1 मई 2017 को इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये इनोग्रेट हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था यहाँ पे जाना, ठीक है। सो इस पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रीन है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत रहेगी, ठीक है। आप आओगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा, यहाँ पे अलग सा सुकून महसूस होगा आपको यहाँ। और आप देखना ट्रीज यहाँ पे देखो, ब्लू पाइन करके आप ट्रीज देख सकते हो, ट्रीज बहुत ही ऐसे ट्रीज आपको ब्लू पाइन ट्रीज यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप अपने नेचर को लव करते हो, That point is suitable for you. This park is suitable for you. ठीक है, नेचर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ट्रीज ग्रीनरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही डायनामिक व्यू यहाँ पे रहता है, ये आप देख रहे हो। हाँ, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पर डे का, अगर आपको बता दूँ तो आई थिंक सो इस क्रॉस 300-500 टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जो नेचर लवर है। और मैं भी आपके साथ को एक व्यू बता रहा हूँ साथ में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क, यहाँ के ट्रीज ग्रीनरी में आप आओगे बहुत ही ज़्यादा। एक व्यू बता रहा हूँ मैं आपको साथ में इस पार्क का। पार्क के बाद आप देखो यहाँ पे यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, आप जो भी बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दे रखी है यहाँ पे कि आपको ऐसी चीज ना लाएं जो बायोडिग्रेडेबल लाएं, यहाँ पे आप कागज से बनी हुई चीजें लाएं, ठीक है, कुछ भी ले रहे हैं। आप प्लास्टिक कर रहे हैं यूज, प्लास्टिक को अगर आप जैसे मतलब कोई भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं तो उसको अपनी जेब में रखें और लास्ट में आप इसको किसी डस्टबिन में डालें, ठीक है। और बहुत सफाई रखें यहाँ पे,
वो अलग अलग ट्रैक्स हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे साथ में मैपिंग भी दे रखी है ताकि आप कहीं क्रैकलैंड पार्क में सारी मैपिंग दे रखी है कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड भी कर रहा हूँ मैं इसको, इस मैप से अगर आप ग्रुप में हैं तो फॉलो को करें बात को ना, बीच में आप ग्रुपिंग मत छोड़ें क्योंकि फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट के साथ ही है, फॉरेस्ट लैंड के साथ। ठीक है, सारा फॉरेस्ट है तरीके से, प्रकृति बहुत प्यारी है यहाँ पे। इस पार्क में आप देख रहे होंगे ट्रीज कितना प्यारा व्यू, यहाँ पे बीच बीच में आपको बेंचेस भी दिख जाएंगे है ना। आप बेंच देखो, ट्री का मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, देखो कितने लॉन्ग ट्रीज रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेंचेस भी बीच बीच में है, और एक मैंने डेस्टिनेशन यहाँ पे रखी थी, ये डेस्टिनेशन पे मैं गया, आपको बीच में ही डेस्टिनेशन मिल जाएगी। वुडन का बना हुआ ये एक तरीके से पुल है, और वुडन की यहाँ पे आपको चेयर्स टाइप में मिल जाएंगी बैठने के लिए। ठीक है, देखो कितना प्रिविलेज है, ये भी वुडन का है सर, और एक ग्राफिक बता रहा हूँ साथ में लैंड के साथ में, ये आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सच। और दिस इज ए वुडन का बना हुआ बिल्कुल पूरा, यहाँ पे मैं लास्ट में गया था, मैं आपको बताऊंगा 360 व्यू आफ्टर लास्ट में यहाँ पे मैं गया था। और देख रहा कितने छोटे छोटे ट्रीज, मतलब बहुत सारी अच्छी डेकोरेशन बना रखी है, साथ में एक कुछ चाइल्ड के लिए 10-12 ईयर्स के चाइल्ड हैं तो उनके लिए सी सॉज हैं है ना। मैंने एक रिवॉल्विंग व्यू यहाँ पे लिया था और एक रिवॉल्विंग व्यू मैं आपको यहाँ से दूंगा। देखो बियर का स्टैचू, यहाँ फोटोग्राफी जो है ना आपके फोटोजेनिक व्यू रहेंगे, आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने तो बंडल ऑफ फोटोज़ यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं, बहुत ही प्यारी फोटोज़ आएगी। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ पे जरूर जरूर विजिट करें आप ना। ये देखिए आप बेंचेस बहुत सारे, और ये देखो ये पार्क है, पार्क के बिल्कुल साथ हूँ, और आपको यहाँ का भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा पार्क में थोड़ा रिवॉल्विंग उसमें था, फ्रेंड्स भी साथ में हैं, और एक 360 व्यू आपको रिवॉल्विंग से उस पे दे रहा हूँ सो आप इसका एक बार एंजॉय लीजिए। दिस पार्क इज ओनली फॉर चिल्ड्रन फॉर 5-12 ईयर्स, मैं आपको पहले ही कर बता चुका हूँ। ठीक है, देखो लो ब्लैक लोकेटस भी, इसमें बहुत सारे वैराइटीज के आपको ट्रीज यहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए, बहुत ही डायनेमिक व्यू के साथ, बहुत ही प्रिविलेज व्यू के साथ, बहुत अच्छा व्यू। अब नियरेस्ट शेल्टर है, शेल्टर इतना प्यारा है, मैं आपको शेल्टर में आपको ले चलूँगा अभी। अब शेल्टर में साथ में देखना यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये सारी क्राफ्टिंग बना रखी है, बहुत सारे स्टैच्यू बहुत प्यारे स्टैच्यू हैं। और आगे मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊँगा, अभी देख लो कितना प्यारा बनाया हुआ है, कितना प्यारा बनाया हुआ है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं आप कितना प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ पे फोटो क्लिक कर देंगे, और ये है वो जब पार्क में हम जाओगे, और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, वुडन का बना हुआ है, स्टोनिंग लाइनिंग बहुत अच्छी है रखी हुई है, साथ में गार्डन कितना प्यारा, यहाँ पे देखना आप कितना प्यारा व्यू। साथ में आप आगे आगे निकलोगे तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध की एक प्रतिमा बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारे बनाई हुई है किसी ने। और साथ में देखो ये शेल्टर है, जो शेल्टर बताया था ये वाला शेल्टर है, शेल्टर का व्यू इतना प्यारा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा फोटोजेनिक व्यू है, अट्रैक्टिव व्यू है, बहुत सारे क्लिक्स करा सकते हो अपनी फोटो, बहुत ही प्यारी फोटोज हैं आपके। साथ में डाउन साइड का एरिया, यहाँ पे फोटो क्लिक्स करा सकते हैं, बहुत ही शांत है, यहाँ आराम से बैठोगे आप, बहुत ही प्यारा, यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है, फोटोग्राफी करा सकते हो आप, ये भी आप करा सकते। और साथ में ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस तरफ से आप, तो यहाँ पे आपको
देखना कितनी प्यारा, ढोल नगाड़े हिमाचली स्टाइल, ये प्रॉपरली देखना ये कितना प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ पे जरूर आप फोटोज वगैरह लेना, यहाँ पे देखो चेयर्स भी है। थोड़ा सा आगे मैं आपको और ले चलूँगा यहाँ से इसी तरफ टर्निंग मूव पे, तो ये भी साथ में बनाया है, देखो डाउन साइड साथ में ये बनाया है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और देखो जो मैं वुडन का आपको बता रहा था, एट लास्ट में वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे मैंने गया मैं अंदर, और ये पूरा वुडन का बना हुआ है। आप यहाँ पे आओगे तो कितना प्यारा यहाँ से व्यू आता है, कितना प्यारा, पूरे पार्क का, पूरे पार्क का व्यू बहुत प्यारा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेस में। और यहाँ पे यार वॉक के मैं यहाँ पे आया था, सो अपने साथ के हाथ में आपको एक व्यू भी बता रहा हूँ, वुडन का बना हुआ है पूरा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रखी है। हम वापस जा रहा हूँ सो हम अब वापस निकल रहे हैं। वापस निकलने से पहले हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे तलाई है, तलाई नाम की एक जगह है साथ में, थोड़ा सा रिटर्निंग मूव, जब रिटर्न होंगे देखो ये वाली कितनी ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कुछ खाने का सोच रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे आपको स्नैक्स के लिए शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैगी खाई है तो मैगी का प्राइस आपका 50 रुपीज़ रहेगा, वेज मैगी का, यहाँ पे मैगी यहाँ पे खा सकते हैं, पर मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैगी जरूर ट्राई करना। एंड टर्निंग पैक में रिटर्न हो रहा हूँ, व्यूज आपके लिए टर्निंग के कि एक टनल है नक्शन जली से, समसुन जोली में आते हैं तो टनल है, मैं वापस जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मार्केट भी कवर करूँगा इसमें, रहेगा यहाँ से, ये थोड़ा मार्केट है संजौली का मार्केट, मैं संजौली से वापस आ रहा हूँ दोबारा मॉल रोड पे, तो ये थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मार्केट संजौली में, पहले ही अपने ब्लॉग्स में कवर कर चुका हूँ, आपने देखा ही होगा सारे ब्लॉग्स। और देखिए यहाँ से हम वापस आ रहे हैं, और साथ में कुछ स्क्रीन शॉट्स, कुछ स्लाइड शोस ऑफ पार्क, देखो कितना प्यारा व्यू, सेकेंड ये डक्स के साथ, थर्ड बहुत ही प्यारा, ये जो मैं वुडन में यहाँ पे आया था, यहाँ के व्यू भी दिखाया था मैंने आपको, फोर्थ माय फोटो दिस एंड अनदर वन फोटो। और इस व्यू को चेक करना कितना प्यारा व्यू, यहाँ से साथ में एक और व्यू ढोल नगाड़ों के साथ, देन ये देखना है कितनी अच्छी पिक्स आई है, कितना प्यारा, कितनी प्यारी पिक्स आती हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध जी। और ट्रिनिटी वाला व्यू देखना है कितना प्यारा ये व्यू आया है, व्यू के बाद ही देखना है इतना प्यारा। एक और मेरी पिक साथ में देखना, ये जो आपका कितना प्यारा बियर बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा टू लॉइंस, दोबारा से व्यू को थोड़ा सा मैंने प्लॉट करके बताया आपको, बहुत प्यारा। सो गाइस मैं अभी अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आज मैंने आपको क्रेगनेनो नेचर पार्क के बारे में बताया कि कितना ब्यूटीफुली पार्क है, आपको यहाँ पे जरूर विजिट करें आप जरूर। सो होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल #karnwines। थैंक यू सो मच।